हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दादरी पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए लूट खसोट की सरकार बताई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश भर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से देश का पेट भरने वाला अन्नदाता खुद दाने दाने का मोहताज हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी हालत से उभारने के लिए सरकार को फौरन आगे आना चाहिए ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द कर सके। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुआवजे की राशि उन किसानों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने फसलों का बीमा नहीं करवाया है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा होली पर्व पर इमलोटा गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में विजेता पहलवानों को सम्मानित करने पहुंचे थे और इस मौके पर चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद थे। चोट आज किसान को और नौजवान को, जो आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा का नौजवान झेल रहा है, 30% बेरोजगारी। आज त्रिपुरा के साथ पूरे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी का दर हमारा नौजवान झेल रहा है। उनके भविष्य को लेकर हमें चिंता होती है। इस सरकार की नीयत झूठ और लूट की नीयत है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, लोगों के हक का कौन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, लोगों को लूटने का कौन मिनिमम प्रोग्राम है, कौन सा महकमा, कितने लूट सूट का महकमा किसके पास हो और कितनी कमाई करी जा सकती हो लोगों के, सरकार के माध्यम से इस एजेंडा पे सरकार चल रही है। अघोषित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका है, लूट खसूट और झूठ। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कितना ये लंबा चलेंगे तो समय बताएगा, मगर ये जरूर है कि जो है ये सरकार जो स्वार्थ की नींव पे बनी सरकार है, खुद के स्वयं के स्वार्थ की नींव पे, लोगों के हक में नहीं, क्योंकि लोगों से तो जो वायदा किया था इन्होंने उनके तो उससे तो पलट गई है, तो अपने स्वार्थ की नींव पे बनी हुई सरकार है। सत्येंद्र पहलवान मोखरा।